Hi student, how are you today? In the last lecture we discussed about some historical background about the photosynthesis, the contribution of the scientist, right? हमने हैच एंड स्लैग के बारे में पढ़ा था कि इन्होंने C4 साइकिल की डिस्कवरी की थी. इसके बाद एक और साइंटिस्ट था जिनका नाम है टाउटन एंड ट्रेगॉन. उन्होंने एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया बिटवीन C4 साइकिल एंड क्रेंच एनाटमी. ये क्रेंच एनाटमी बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है. और वॉट इज क्रेंच एनाटमी? इन क्रेंच एनाटमी मीन्स अ रिंग, सेल्स आर फाउंड इन टू वेल डिफाइंड रिंग्स इन द लीफ विच इज नोन एज क्रेंच एनाटमी. डाउटन और ट्रेगन के हिसाब से लीफ के अंदर दो रिंग लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनमें वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं. सेल्स आर फाउंड इन टू वेल डिफाइंड रिंग्स इन द लीव. इसी को हम कहते हैं क्रेंच एनाटमी, राइट? तो नाम लिख लीजिए डाउटन एंड ट्रेगॉन. Doubted and Trigon. TREGU and Trigon. ठीक है, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एस्टैब्लिश किया रिलेशनशिप बिटवीन C4 एंड क्रेंच एनाटमी. स्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन क्रेंच एनाटमी एंड C4 cycle. Okay. Now look at the Krenz anatomy. As per the scientist, Krenz means two different ring. That means the cells are arranged इन टू डिफरेंट रिंग जो कि वेल डिफाइंड होती है. टू डिफरेंट वेल डिफाइंड रिंग्स. ओके, इसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आए हुबर, मिसेल और डिसन होफर. क्रिस्टलाइज्ड फोटोसिंथेटिक सेंटर ऑफ रोडोबैक्टीरियम बैक्टीरियम एंड इट्स केमिकल नेचर. तो हुबर, माइकल और डिसन होफर ने जो फोटोसिंथेटिक सेंटर है जो बैक्टीरिया में अवेलेबल होता है उसके केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में बताया और इस बात के लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया. हुबर, नेक्स्ट माइकल एंड क्रिस्टलाइड क्रिस्टलाइज्ड द रिएक्शन सेंटर, फोटोसिंथेटिक रिएक्शन सेंटर जो कि बैक्टीरिया में पाए जाते हैं. फोटोसिंथेटिक रिएक्शन
sent in special bacteria था रोडोबैक्टर, जिसमें इन्होंने सर्च आउट किया था रोडोबैक्टर. रोडोबैक्टर अ बैक्टीरियम फॉर दैट ही गॉट नोबल प्राइज. और इस बात के लिए इनको नोबल प्राइज मिला था क्योंकि रोडोबैक्टीरियम के अंदर जो फोटोसिंथेटिक सेंटर रिएक्शन है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बताया था. एंड इट्स केमिकल प्रॉपर्टी, राइट. तो दिस इज ऑल अबाउट द हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू. नाउ लेट अस स्टार्ट इंट्रोडक्शन अबाउट द फोटोसिंथेटिक प्रोसेस. व्हाट इज द फोटोसिंथेटिक रिएक्शंस लाइक दैट. नाउ लेट सी द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ये प्रोसेस कैसी होती है फोटोसिंथेसिस में. फोटोसिंथेसिस इट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट बायो केमिकल प्रोसेस. इसको हम फिजियो बायो केमिकल प्रोसेस भी कह सकते हैं. ऑन विच द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज डिपेंडेंट. इट इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. आप एज्यूम करके देखिए कि अगर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस स्टॉप हो जाए तो क्या इस अर्थ पर लाइफ सर्वाइव कर सकती है. सो इट इज मोस्ट सिग्निफिकेंट प्रोसेस बाय विच द होल लाइफ इज सर्वाइविंग. एज्यूम करके देखिए अगर फोटोसिंथेटिक प्रोसेस ना हो तो ऑक्सीजन का एवोल्यूशन भी रुक जाएगा. और एक बार ऑक्सीजन का एवोल्यूशन रुक जाएगा तो जितने भी एरोबिक एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, इंसेक्ट हैं, उनकी संख्या बहुत तेज़ी से कम हो जाएगी. दे कैन नॉट सर्वाइव. एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज द फूड आल्सो सिंथेसाइज ड्यू टू द दिस रिएक्शन व्हिच इज नोन एज फोटोसिंथेसिस. अगर फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाएगी तो पृथ्वी के लिए जो मेन सोर्स ऑफ फूड मटीरियल है वो भी स्टॉप हो जाएगा. दैट इज वाई दिस फिजियो बायो केमिकल प्रोसेस इज द मोस्ट सिग्निफिकेंस प्रोसेस ऑन अर्थ. ऑल राइट, लिख लीजिए. फर्स्ट पॉइंट, मोस्ट सिग्निफिकेंट फिजियो बायो केमिकल प्रोसेस. फिजिकल बायो केमिकल प्रोसेस नेक्स्ट पॉइंट. एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ड्राइव्स इट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड बाय दिस प्रोसेस. सो बाय दिस प्रोसेस यू गेट plenty of oxygen, get food stuff or food material to all the organism. Organism. Okay. Next point. The photosynthesis process is also known as photobiochemical process, and it is anabolic and endergonic process in which the compound carbohydrates are synthesized
from the inorganic raw material, that is water and carbon dioxide. So in the presence of light and pigment, oxygen is evolved as a byproduct. Oxygen plant ke liye byproduct hai aur wo hamare liye useful and essential product hai. Okay, so photosynthesis is photo biochemical process aur isme anabolic process hoti hai, yani synthesis hoti hai and endergonic. To likh lijiye. Next point, photosynthesis is photo biochemical process Next point, it is anabolic and endergonic. Okay, next, in this process, the compound which is known as carbohydrate synthesized with the help of inorganic raw material. कार्बोहाइड्रेट जिसको हम ग्लूकोज भी कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट is synthesized जो कि एक ऑर्गेनिक मटीरियल है विद द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक रॉ मटीरियल ये इनऑर्गेनिक रॉ मटीरियल क्या है दैट इज नथिंग बट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन दिस प्रोसेस द कार्बोहाइड्रेट विच इज ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इज सिंथेसाइज विद द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक रॉ मटीरियल विच इज नथिंग बट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड तो इस पूरी प्रोसेस में ऑर्गेनिक मटेरियल की सिंथेसिस होती है विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दैट इज एसेंशियल ठीक है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ओके नेक्स्ट पॉइंट And the oxygen is evolved as a byproduct. Oxygen evolve as a byproduct. So that this is the phenomena of photosynthesis. Photosynthesis is a biochemical process. Anabolic and endergonic carbohydrate which is organic substance which is synthesized with the help of inorganic raw material that is water and carbon dioxide and during whole process oxygen liberated as a byproduct which is very useful to other anaerobic respiring animals wo hum sabhi ke liye kafi important hai now look at the reaction ye chemical reaction kis tarah se hoti hai iska reaction ko likh lete hain
carbon dioxide plus water in the presence of sunlight and chlorophyll C6H12O6, that is what? Carbohydrate. इसको बैलेंस कर लेते, 6CO2 6H2O इज इक्वल टू C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन. इन दिस प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इन्वॉल्व्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और सोलर रेडिएशन दैट कम्स फ्रॉम हियर. सोलर रेडिएशंस, और ये कहां पर गिरते हैं? इन द लीफ, ग्रीन लीफ. सो इन दिस रिएक्शन द सनलाइट डायरेक्ट केम टू द अर्थ एंड टारगेट द ग्रीन लीव्स. और सनलाइट जैसे ही ग्रीन लीव से इंटरेक्ट होती है, यहाँ पर फोटोसिंथेटिक प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज दे हैव अ स्पेशल काइंड ऑफ पिगमेंट विच इज नोन एज क्लोरोफिल. एंड दिस इज सोलर रेडिएशन. सोलर रेडिएशंस. So in the presence of solar radiation and chlorophyll, the process begins and they synthesize carbohydrate which is known as glucose. Glucose ke hi polymerization se carbohydrate ka formation hota hai. Now in this process, first of all, the reduction or dark reaction, yani carbon dioxide jab dark reaction mein participate karti hai, tab jaakar ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन हियर ओनली, यहां से ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द डार्क रिएक्शन, जिसको हम रिडक्शन प्रोसेस भी कहते हैं. इसको इस तरह से समझते हैं, रिडक्शन और आर्क डार्क रिएक्शंस. ओके, नेक्स्ट प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन का एवोल्यूशन हो रहा है, वो कहां से हो रहा है? जो ऑक्सीजन लिबरेट हो रही है वो वाटर से निकलती है. वाटर इज द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन विच डायरेक्टली कम्स फ्रॉम द सॉइल. ठीक है, ऑक्सीजन का इवोल्यूशन या फोटोसिंथेटिक प्रोसेस का बाय प्रोडक्ट ये प्रोसेस होती है बिकॉज ऑफ लाइट रिएक्शन, या इसी को हम ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहते हैं. यहां पर लिख लीजिए, ऑक्सीडेशन और लाइट रिएक्शन. ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का ग्लूकोज में कन्वर्जन इज अ रिडक्शन प्रोसेस एंड दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द डार्क रिएक्शन. एंड इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर इज अ ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो कि लाइट फेज में पाई जाती है, इसलिए इसको हम लाइट रिएक्शन कहते हैं. ओके, इवॉल्व हो गई, रिलीज हो गई. क्लियर? सो दिस इज द मेन प्रोसेस विच इज गोइंग ऑन इनसाइड द लीफ.
जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे डिफरेंट फेजेस में. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, द 90% ऑफ टोटल फोटोसिंथेसिस कैरीड आउट बाय द एक्वाटिक प्लांट. जो वाटर में पाए जाने वाले, ओशन में पाए जाने वाले प्लांट्स हैं, उनमें भी 85% कंट्रीब्यूशन होता है एल्गा का. सो यू डू अंडरस्टैंड कि इतना डीफॉरेस्टेशन होने, ग्रासलैंड, इतने फॉरेस्ट डीफॉरेस्टेशन के बावजूद भी जो ऑक्सीजन का लेवल है वो मेंटेन रहता है. इसका रीज़न क्या है कि जो एक्वाटिक प्लांट्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन 90% होता है और सिर्फ 10% लैंड का कंट्रीब्यूशन होता है, जिसमें फॉरेस्ट का कंट्रीब्यूशन 9% होना चाहिए और जो सीजनल हम लोग फार्मिंग करते हैं उसका 1% कंट्रीब्यूशन होता है. बट राइट नाउ फॉरेस्ट का कंट्रीब्यूशन रिड्यूस होकर 7% जितना रह गया है. दैट मीन्स द मेजॉरिटी ऑफ ऑक्सीजन केम्स फ्रॉम एक्वाटिक प्लांट्स एंड एल्गा. 85% सिर्फ और सिर्फ एल्गा का कंट्रीब्यूशन है. लिख लीजिए, आउट ऑफ 100% ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कैरीड आउट बाय द एक्वाटिक प्लांट. फोटोसिंथेसिस कैरीड आउट बाय एक्वाटिक प्लांट. एट्टी फाइव परसेंट ओनली बाई एल्गी. ओके, दैट इज वाई द ऑक्सीजन रेशियो इज मेंटेन इन दिस अर्थ. नेक्स्ट पॉइंट, द फर्स्ट ट्रू एंड ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस बैक स्टार्टेड इन साइनोबैक्टीरिया. पहला और ट्रू जो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक प्रोसेस है वो स्टार्ट हुई बैक्टीरिया के अंदर, जिसको हम साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गा कहते हैं. लिख लीजिए, फर्स्ट ट्रू, फर्स्ट ट्रू ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस स्टार्टेड इन साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया. स्टार्टेड इन साइनोबैक्टीरिया. और BGA, शॉर्ट फॉर्म में BGA कहते हैं. दैट मीन्स ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया. नेक्स्ट पॉइंट, इन द केस ऑफ कस्क्यूटा रिफ्लेक्सा एंड फंजाई द फोटोसिंथेसिस सिस्टम इज एब्सेंट. कस्क्यूटा रिफ्लेक्सा जिसको हम अमरबेल कहते हैं, और फंगस में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं पाई जाती. यूग्लिना इज अ फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म विच इज द कनेक्टिव लिंक बिटवीन एनिमल एंड प्लांट्स. लिख लीजिए, कस्क्यूटा एंड फंगस, डू नॉट पार्टिसिपेट इन फोटोसिंथेटिक प्रोसेस. दैट मीन्स फोटोसिंथेटिक
फोटोसिंथेसिस एब्सेंट, नहीं पाए जाते। नेक्स्ट पॉइंट, इन द केस ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इट इज अ कनेक्टिव लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स विच इज नोन एज यूग्लिना। यूग्लिना इज अ कनेक्टिव लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। कनेक्टिव लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, ओके, क्योंकि यूग्लिना के अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी पाई जाती है और वो एनिमल की तरह भी बिहेव करता है, यानी दोनों ही मोड ऑफ होलोजोइक और ऑटोट्रॉपिक जो प्रोसेस है ये यूग्लिना के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इन द केस ऑफ प्लांट, खासतौर से टीनोस्पोरा और ट्रैपा, यहाँ पर जो रूट पाई जाती है वो फोटोसिंथेटिक प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है। तो रूट्स ऑफ टीनोस्पोरा एंड ट्रैपा आर नोन एज एसिमिलेटरी और फोटोसिंथेटिक रूट्स। यहाँ पर लिख लेते हैं, रूट्स ऑफ ट्रैपा एंड टीनोस्पोरा पार्टिसिपेट इन फोटोसिंथेसिस एंड सच टाइप ऑफ रूट इज नोन एज एसिमिलेटरी रूट। ऐसे रूट को हम एसिमिलेटरी रूट कहते हैं, ओके। ये एक्सेप्शनल है बट यहां पर पाया जाता है, अदरवाइज रूट्स कभी भी फोटोसिंथेटिक प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होते।